डे देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है मर्ज की शॉर्टेड लिस्ट। यू आर गिवन एन एरे ऑफ के लिंक्ड लिस्ट लिस्ट ईच लिंक्ड लिस्ट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। मर्ज ऑल द लिंक्ड लिस्ट इन टू वन सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट एंड रिटर्न इट। प्रॉब्लम जो है इतना हार्ड नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो। अगर आपने मर्ज सॉर्ट पहले पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं। कोई भी दो एरे लेते हैं, उनको आपस में शॉर्ट करते हैं, फिर जो सॉर्टेड आता है उसको किसी दूसरे एरे के साथ लेकर हम शॉर्ट करते हैं। ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है। अब हम अगर वो एरे किया हुआ है तो लिंक, बस हमने यहाँ पर लिंक लिस्ट की तरह उसको इसमें स्टोर्ड है, एलिमेंट्स की जगह लिंक लिस्ट की तरह इसमें स्टोर्ड है। हम यहाँ पर लिंक लिस्ट को आपस में मर्ज करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये हम पे वेक्टर ऑफ लिस्ट है, एक लिस्ट है 1 4 5, 1 3 4 2 6, ये तीन लिस्ट हैं आपस में सॉर्टेड है, 1 4 5, 1 3 4 सॉर्टेड है, 2 एंड 6 सॉर्टेड है। अब हमें देखना है कि रिटर्न जो कराना है हमें इन तीनों को मर्ज करके जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट आएगी वो हमें रिटर्न करानी है। चलिए अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए। अब जो है हमारा फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारा गिवन है लिंक लिस्ट 1 4, हम इसको अभी एलिमेंट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, फिर जब हम कोड करेंगे इसको लिंक लिस्ट की तरह बताएंगे किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट लिस्ट के हैं 1 4 5, सेकेंड लिस्ट के हैं 1 3 4। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मर्ज सॉर्ट हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं। मर्ज सॉर्ट हम ऐसे करते हैं कि हमने किसी भी लिस्ट दोनों चीज़ों दोनों एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराना है, जो भी उनमें छोटा होगा उसको स्टोर करा देंगे, एंड जो भी उसमें सेकेंड एलिमेंट लाइक इस वन में और इस वन में अभी दोनों बराबर हैं तो किसी भी एक वन को स्टोर करा देंगे, और जिसका भी स्टोर कराएंगे उसको नेक्स्ट उसका पॉइंटर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर 4 और 1 में जो होगा उसमें जो छोटा है उसको स्टोर करा देंगे। अभी यहाँ का 1 लिया तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जंप कर जाएंगे 3 पर। फिर 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 लेंगे। फिर हम 3 वाले उसमें जंप कर जाएंगे 4 पर, और फिर 4 और 4 में कंपेयर करेंगे दोनों कौन है, 4 है। अब इसका 4 ले लो या इसका 4 ले लो, दोनों में सेम बात है। अब इसका 4 अगर हमने लिया है तो 5 पे जंप कर जाएंगे, फिर 5 और 4 में कंपेयर करेंगे तो 4 ले लेंगे। अब फिर 5, अब यहाँ पर तो एंड हो गया, अब किस एरे के एलिमेंट बचे, 5, उसके हम सारे स्टोर करा देंगे। वैसे तो एक ही बचा है तो इसमें 5 स्टोर करा देंगे, ठीक। अब इस तरीके से जैसे 1 1 3 4 4 5 में हमने ले लिया है, अब 1 1 3 4 4 5 को हम एक वो हो गया, अब इसको 2 और 6 के साथ हमें मर्ज करना है। अब 1 और 2 में कौन है, 1 और 2 में हमारा 1 छोटा है तो 1 ले लेंगे, फिर इसके जंप करा देंगे 1 पर, फिर 1 और 2 में कंपेयर करेंगे 1 ले लेंगे, फिर इसका पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देंगे 3 पर, 3 और 2 में 2 छोटा है 2 ले लेंगे, फिर 2 लिया है तो इसका पॉइंटर जंप करा के हम 6 पर आ जाएंगे, फिर 6 और 4 में 6 और 3 में कंपेयर करेंगे क्योंकि इसका पॉइंटर यहाँ था, 6 और 3 में कंपेयर करेंगे 3 ले लेंगे, इसका पॉइंटर जंप करा के 4 पर आ जाएगा, 4 और 6 में 4 ले लेंगे फिर पॉइंटर जंप होगा, फिर 4 और 6 में 4 लेंगे फिर पॉइंटर जंप होकर 5 पे आ जाएगा, फिर 5 और 6 में 5 ले लेंगे, और फिर हमारा 6 एलिमेंट इस एरे का बच जाएगा क्योंकि इसके हमारे सारे खत्म हो गए तो कंपैरिजन अब नहीं होगा, अब जो भी रेस्ट बचे हैं वो ले लेंगे, तो बचा 6। अब इसको इस एग्जांपल पे समझते हैं कि 1 और 7 में हमने 1 ले लेंगे, 1 2 पे आ जाएगा, फिर 2 और 7 में 2 ले लेंगे ये 3 पर आ जाएगा, फिर 3 और 7 में 3 ले लेंगे ये 4 पर आ जाएगा, फिर 4 और 7 में हम 4 को लेंगे। अब इस एरे के तो सारे एलिमेंट हमने यूज़ कर लिए हैं तो अब तो हमारा कोई कंपैरिजन बचा है नहीं, अब बचे हैं 7 8 9, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सारे सॉर्टेड है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा इस तरीके से एरे में होता है, बस एरे की जगह हमें इसको लिंक लिस्ट में परफॉर्म करना है। तो अब हम तो चलिए कोड देखते हैं क्या है। लिस्ट नोड मर्ज लिस्ट, तो सबसे पहले हम दो फंक्शन बना लेंगे, एक तो हमारा जो मर्ज करेगा वो उस फंक्शन को ले लेंगे, और एक जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था 1 4 दो एरे हैं, एक तो हमारा दोनों एरे को लेगा, फिर उसमें हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर मर्ज हो जाएगा, फिर उस मर्ज को दूसरे एरे के साथ फिर से मर्ज करेंगे तो हमारा ऐसे सॉर्टेड आ जाएगा। तो एक फंक्शन ले लेते हैं लिस्ट नोड मर्ज, इसमें हमारे जो पैरामीटर होंगे, हमने यहाँ पर एरे होता तो एरे पास कराते हैं, यहाँ पर हम लिंक लिस्ट पास करेंगे, ये लिस्ट नोड लिंक लिस्ट का फॉर्मेट होता है, दो हमने यहाँ पर पास करा दिया। अब इसमें कैसे होगा, एक हम हेड ले लेंगे, हेड पॉइंटर जो हमें रिटर्न कराएगा, लिंक लिस्ट में ऐसे चलता है ना, 1 कनेक्टेड विथ 2 कनेक्टेड विथ 2 कनेक्टेड विथ 3
कनेक्टेड विथ फोर, तो हमें रिटर्न क्या करना है, इसका हेड रिटर्न करना है, क्योंकि जब हम इसको मर्ज करेंगे फिर हमें दूसरी लिंक लिस्ट के साथ करना होगा मर्ज, लाइक 1, 2, 3, तो इसके हेड और इसके हेड से कंपेयर करेंगे, तो जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे और इसको आपस में मर्ज कर देंगे तो हमें हेड रिटर्न करना है, तो हम एक हेड ले लेंगे न्यू लिस्ट नोड। अब इसको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमारा ट्रेवर्स करेगा। अब हमने क्या कहा था, कब तक चलना है, जब तक कोई भी एक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, तो वाइल L1 नॉट इक्वल्स टू नल एंड L2 नॉट इक्वल्स टू नल। तो अब हमें क्या करना, अगर L1 की वैल्यू हमारी L2 की वैल्यू से छोटी है तो हमें क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में L1 डाल देना और टेम्प को इंक्रीमेंट कर देना और फिर L1 को इंक्रीमेंट कर देना, क्योंकि हमने L1 की वैल्यू ले ली है। सेम चीज हम तब करेंगे अगर हमारा L1 की वैल्यू छोटी नहीं है, तो L2 की वैल्यू छोटी होगी, else कॉपी पेस्ट, यहाँ पर L1 की जगह L2 को स्टोर करा देंगे और टेम्प हमारा सेम रहेगा क्योंकि वहां पर तो हमने इंक्रीमेंट करना ही है, ये हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है। अब जब इन दोनों में से किसी एक की वो खत्म हो जाएगा, लूप वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, लाइक जैसे हम इसमें स्टोर करा थे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 खत्म हो गया था, अब 7, 8, 9 बचा, अब दोनों में से कोई भी बच सकता है हमें तो नहीं पता। तो अगर हमारा L1 की वैल्यू बची है, वाइल L1 नॉट इक्वल्स टू नल, तुम क्या करेंगे, सेम चीज़ रिपीट करेंगे, L1 में स्टोर करा देंगे, L1 की सारी वैल्यूज स्टोर करा देंगे, फिर चेक करेंगे L2 की तो नहीं बची, वाइल L2 नॉट इक्वल्स टू नल, फिर स्टोर करा देंगे यहाँ पर L1 की जगह L2 कर देंगे। ठीक, ये हमारा मर्ज फंक्शन हो गया। अब ये तो दो को मर्ज किया है, अब इसमें लिस्ट में तो कई सारे होंगे, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाएंगे मर्ज शॉर्ट, इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे, हम लिस्ट पास कराएंगे क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट्स दे रहे हैं। इसमें एक हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल होगा और एक हमारा होगा एंड, कि कितने कहाँ से कहाँ तक हमें स्टोर कराना है। अब इफ स्टार्ट इक्वल्स इक्वल्स एंड, अगर हमारी लिस्ट में एक ही लिस्ट है तो वो तो सॉर्टेड होगी, तो हमें उसी को रिटर्न कराना, रिटर्न कर देंगे लिस्ट ऑफ स्टार्ट, मतलब एक ही वैल्यू है जो स्टार्टिंग है वही होगा, नहीं तो एक हमारा मिड पॉइंटर होगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। फिर हमने क्या करना है, हमें मिड आ जाएगा तो हम इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे कोई भी दो वैल्यूज के लिए, एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा जो कि फिर से मर्ज शॉर्ट लगाएंगे इसमें हम, इन वैल्यूज के लिए लिस्ट वापस होगा, फिर स्टार्ट होगा और मिड तक, सेम चीज हम उसमें राइट में करेंगे मिड +1 से एंड तक। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न मर्ज, अब यहाँ पे क्या होगा, इंट एन हमारा लिस्ट का साइज देख लेते हैं क्या है। अगर हमारा लिस्ट खाली है तो रिटर्न क्या करना है, नल, नहीं तो हमें क्या करना है, फिर रिटर्न अपना मर्ज सॉर्ट।
कहाँ से शुरू, 0 से शुरू होगा और एन माइनस वन तक हमारा चलेगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल एरर दे रहा है, यहाँ पर हम रिटर्न करना भूल गए, रिटर्न हेड। लिस्ट नोड स्टार्ट, यहाँ पर सिंटैक्स का ध्यान रखें। रिटर्न हमने क्या करना था, हेड ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि हेड में तो हमने माइनस वन स्टोर कराया, तो माइनस वन से तो नहीं हमारा हेड हो सकता, उसके नेक्स्ट से हमारा आंसर आएगा। चल गया, सबमिट करते हैं। चलिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।